my lovely friends, a very warm welcome to the channel Pinky's Creative World. I'm good and I hope you all are doing great. So last video में मैंने आपके साथ share करी थी हमारी Mysuru to Ooty की trip and in between मैंने आपके साथ काफ़ी सारे tourist places share करे थे जो Ooty में आते हैं. अभी टाइम अप्रॉक्स 7 PM हो रही है एंड मैं मेरी पूरी फैमिली हम होटल आ चुके हैं. आज के लिए हम और कहीं नहीं विजिट करेंगे बिकॉज हमने जो होटल ली है ये अपने आप में ही एक टूरिस्ट प्लेस है. बहुत ही ब्यूटीफुल इनकी पूरी प्रॉपर्टी है. सो अभी हम इनकी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करेंगे एंड ऑफकोर्स हम थोड़े थक भी गए हैं. सो बाकी की जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन्हें हम सुबह में कवर करने वाले हैं. फ़िलहाल के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जहाँ हम रुके हैं वो कैसी लगती है वो वाली होटल. वहाँ की बालकनी से ये व्यू है जो मैंने कैप्चर किया है. बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है एंड ये होटल Ooty एंड कुनूर के मिड में आती है. सो ये है हमारा होटल रूम एंड यहाँ हम अगले 3 दिनों के लिए रहने वाले हैं. पूरी ही रूम एलेक्सा के थ्रू ऑपरेट होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम टीवी, एसी, लाइट्स, कर्टन, सब चीज़ें एलेक्सा के थ्रू ही ऑपरेट होती हैं एंड उठने की भी ज़रूरत नहीं है बेड से. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसकी बालकनी से जो व्यू है वो बहुत ही अमेजिंग है. सो लगेज हमने रूम में एडजस्ट कर दिया है एंड देन वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द रेस्टोरेंट ऑल्सो बिकॉज काफ़ी लंबी जर्नी थी आज की हमारी एंड माई चाइल्ड वॉज हंग्री ऑल्सो. एंड ये है इनकी रेस्टोरेंट, इनके आउटसाइडर गेस्ट के लिए भी एंड इन हाउस गेस्ट के लिए भी. रेस्टोरेंट के बाहर के साइड में भी इस टाइप से सिटिंग अरेंजमेंट है, अगर इनके गेस्ट चाहें तो बाहर भी चाय कॉफ़ी अपने एंजॉय कर सकते हैं बिकॉज यहाँ की जो वाइब्स है वो आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी ब्यूटीफुल आती है. एंड जिन्हें बाहर नहीं बैठना वो अंदर भी बैठ सकते हैं बिकॉज बाहर कभी भी बारिश हो जाती है एंड ठंड तो बहुत ही ज़्यादा थी यहाँ पर. एंड ये है रेस्टोरेंट के इनसाइड की व्यू. तो यहाँ पे हमने हमारी टी कॉफ़ी एंजॉय करी एंड देन वी डिसाइडेड कि इवनिंग की व्यू जो इनके होटल की है उसे एक्सप्लोर करते हैं बिकॉज ये बहुत ही ह्यूज प्रॉपर्टी है इनकी एंड ये टोटल 7 गेस्ट ही अलाउ करते हैं एट अ टाइम अपने होटल में सो दैट ये अपने गेस्ट को द बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकें. एंड येस वी एंजॉयड अ लॉट ओवर हियर. कभी भी मीन्स किसी भी टाइम में इन मिड ऑफ द नाइट भी अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती थी तो दे वेर जस्ट 1 फोन कॉल अवे फ्रॉम अस. ये सारे रूम्स हैं गेस्ट रूम्स एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी रूम नंबर दे हैव जस्ट गिवन अ यूनिक नेम टू ईच गेस्ट रूम्स. जिसमें हम रुके थे दैट वॉज टैंजरीन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये हैं सारे गेस्ट रूम्स. It started raining outside, so we decided to come back to our room and we'll explore this place in morning also. And meanwhile, आप देखिए night से इसकी view कितनी beautiful थी. Means we were at the top and top से Ooty कुछ इस type की दिख रही थी. It's 6:32 AM in the morning and this is our first morning in Ooty. रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से क्लाइमेट बहुत ही चेंज हो गई है. अभी कल के कंपेयर में आज ज़्यादा ठंड लग रही है बट लकीली मॉर्निंग में बारिश नहीं हो रही थी. सो वी डिसाइडेड कि आज हम 3-4 स्पॉट्स तो कवर कर ही लेंगे सो दैट कल के लिए हमारे पास अच्छा टाइम रहेगा और अगर बारिश हुई भी फिर भी हम वो 2-3 टूरिस्ट प्लेसेस कवर कर लेंगे.
मॉर्निंग में सारे टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पे 8 AM के बाद ही ओपन होते हैं। सो हमने पहले पूरी ही इस प्लेस को विजिट करा, एक्सप्लोर करा एंड मैंने प्रॉपर एक वीडियो शूट करी है मॉर्निंग व्यू की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती। सो फाइनली हम रेडी हुए और हम पहुँच चुके हैं हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, विच इज़ दिस बोट हाउस ऑफ कुटी। बोट हाउस की ये एंट्री गेट है, यहाँ से पर पर्सन 20 rupees एंट्री फी है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एंड एंटर करने के बाद एक और टिकट काउंटर है जहाँ से बोट जो भी हमें हायर करनी है उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। मिनिमम 6-seater बोट है जिसकी प्राइस 800 है एंड मैक्सिमम 15-seater बोट है। जैसा कि मैंने मॉर्निंग में ही आपको बताया कि आज की वेदर काफ़ी अच्छी थी एंड सनी वेदर भी हो गई थी आगे चल के, सो आज काफ़ी रश थी बोट हाउस में एंड काफ़ी टूरिस्ट थे। सो बहुत देर तक मेरे हस्बैंड को यहाँ पे क्यू में लगना पड़ा टिकट निकालने के लिए, और मीनवाइल मैंने कैप्चर करे ये व्यूज़ जो बोट हाउस के टॉप से आती है। हम फाइनली पूरी क्यू को पीछे छोड़ के और अपनी बोट में बैठ चुके हैं एंड यहाँ से हम इंजॉय करने वाले हैं बोटिंग को। आप भी इस प्लेस को देखिए बिकॉज काफ़ी ब्यूटीफुल इसकी व्यू है एंड मैंने पूरी कोशिश की है इसकी ब्यूटी को कैप्चर करने की। आई रियली होप आपको भी पसंद आएगी। प्लास्टिक फ्री जोन है, सो यहाँ पे 1 liter की जो वाटर बॉटल्स आती हैं वो बैन है, यहाँ नहीं मिलती। सो या तो आप अपने साथ एक प्रॉपर वाटर बॉटल कैरी करें, अदरवाइज इस टाइप की 5 liter की वाटर बॉटल और ड्रिंक्स के लिए इस टाइप की केन्स मिलती हैं। सो हमने बोटिंग कर ली एंड हम वहाँ से बाहर निकले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। बोट हाउस में बोटिंग के अलावा बच्चों के लिए काफ़ी सारे राइड्स और भी अवेलेबल हैं एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी वहाँ पे है, सो दैट वहाँ की लोकल चीज़ें अगर आप शॉप करना चाहते हैं तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड, हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के पास पहुंच चुके हैं, विच इज़ दिस ऊटी रोज़ गार्डन। एंड यहाँ पे ऊटी फ्लावर शो चल रहा है रोज़ गार्डन में भी एंड इनकी बोटैनिकल गार्डन में भी, ऊटी रोज़ शो 2024। इस वजह से बोटैनिकल गार्डन एंड रोज़ गार्डन की जो प्राइजेज हैं उनको थोड़ा इंक्रीज़ किया था 200 rupees पर पर्सन, अदरवाइज ये कुछ 20-30 rupees ही होती है। बट इस टाइम पे जाना और ये पूरे रोज़ शो को एक्सप्लोर करना, इनको देखना अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग मोमेंट्स थे। आप ये सारे जो स्कल्पचर्स देख रहे हैं, मीन्स ये सारे एनिमल्स जो हैं ये रोज़ेस से बनाए हुए हैं। आफ्टर रोज़ गार्डन वी एक्सप्लोर 2-3 more प्लेसेस इन ऊटी, बट उन्हें मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। मीनवाइल आप इस वीडियो को इन्जॉय करें, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप उन्हें भी देखिए, सो दैट आप आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनसे कनेक्ट कर सकें। मेरी वीडियोज़ अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे आपके साथ और भी ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लेके आती रहूँगी। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।